मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक 24 घंटे में प्रदेश में 7154 नए केस सामने आए हैं, जिसमें 117 पुलिस के जवान शामिल हैं। गृह मंत्री ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को घेरा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षा कराए जाने पर विचार कर रही है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7154 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 2675 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश में एक्टिव केस 39450 वर्तमान में है। कल प्रदेश के अंदर 73335 सैंपल लिए गए हैं। कल हमारे जो पुलिस के जवान हैं, 117 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब पुलिस के एक्टिव केसों की संख्या 655 संपूर्ण प्रदेश में है। कभी उनमें जाकिर नायक की फंडिंग पूछी है क्या? ओबामा की पूछी क्या? सिर्फ हिंदू संतों के बारे में ही उंगली उठाते हो, बाकी और कहां से पैसा आ रहा है किसी और धर्म में वो कभी नहीं उठाते। यही इनकी मानसिकता को उजागर करता है। अब कमलनाथ जी किस पर गोली मार रहे हैं पहले तो ये स्पष्ट कर दें, और काहे के लिए ऐसे मारधाड़ रहस्य रोमांच के वो जारी करवा रहे हैं। सेवा के भी जारी कराओ, देखा कि कोविड काल में कहीं सेवा करते आप दिखो, ऐसे नहीं जा रहे तो ऐसे ही दिखा दो। वो बैठक ही बुला सकते हैं, ओला पीड़ित किसानों के बीच जा नहीं सकते हैं, जनता के बीच जा नहीं सकते हैं। बैठक बुलाएं, अच्छी बात है उनकी पार्टी। अभी तक ऑफलाइन परीक्षाओं की तरफ हम जा रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक के युवाओं की वैक्सीनेशन हो चुका है। दूसरा, एक बार में 300 विद्यार्थी बैठते हैं तो पर्याप्त स्पेस भी है, कोविड गाइडलाइन का पालन करके परीक्षा दी जा सकती है। अगर कोई छात्र छात्रा कोविड पॉजिटिव पाई जाती है तो उसे अगले सेमेस्टर के लिए अवसर मिल सकता है, एक चांस और उसे अगली परीक्षा का देख सकते हैं, और इस तरह से परीक्षा कराने पर वर्तमान में विचार हो।